चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां मुंबई एनसीपी नेता को मिली धमकी, शरद पवार को मिली जान से मारने की धमकी, गोली मारने की धमकी दी गई है। गादेवी पुलिस ने दर्ज किया मामला, धमकी भरे फोन कॉल के बाद मामला दर्ज। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति से धमकी देकर मामला दर्ज किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां एनसीपी नेता को धमकी मिली है, शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली है, गोली मारने की धमकी दी गई है उन्हें। गादेवी पुलिस ने इस पूरे सिलसिले में जो है मामला दर्ज कर लिया है, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि फोन कॉल पर उन्हें धमकियां दी गई, जान से मारने की धमकी उन्हें दी गई। शरद पवार जो कि एनसीपी नेता है, चलिए इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता संतोष मोरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, देखा जाए तो नेताओं को धमकी देने का सिलसिला लगातार जारी है। पहले राहुल गांधी को धमकी मिलती है, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिलती है, और अब जो है एनसीपी के नेता शरद पवार को भी जान से मारने की धमकी मिली है। जी हाँ, जिस प्रकार से आज सवेरे खबर आ रही थी कि एनसीपी के जो अध्यक्ष है शरद पवार, उनको दोबारा जान मारने की धमकी प्राप्त हुई है। इससे पहले भी शरद पवार को इस प्रकार से धमकी दी गई थी, लेकिन आज कल जिस प्रकार से रात को जो फोन आया था अज्ञात किस्म के वजह के पास से, कि शरद पवार इनको मारने की धमकी दी गई थी और कहा गया था कि देशी कट्टे से उनको गोली मार दी जाएंगी, तो उसके बाद संबंधित ऑपरेटर ने मुंबई के गावदे पुलिस स्टेशन में एफआईआर संपर्क साथ से वहाँ पे एफआईआर दाखिल किया, और उसके बाद पुलिस की ओर से गुनाह दाखिल करते हुए अज्ञात जो शख्स है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके आगे की जो मामला है उसकी जांच शुरू कर दी है। लेकिन इससे पहले भी इसी प्रकार से महाराष्ट्र के जो बड़े नेता है या राहुल गांधी है, इनको भी अलग अलग तरह से धमकी आई थी जी। लेकिन उसके बाद अज्ञात व्यक्ति को पुलिस की ओर से जांच की जा रही थी, लेकिन उसमें कुछ सामने आया नहीं था। लेकिन आज फिर से शरद पवार को जब धमकी आई है तो फिर से गृह विभाग सतर्क हो गया है। बिल्कुल, तो पुलिस ने जो है फिलहाल तो अज्ञात व्यक्ति पर जो है मामला दर्ज कर लिया गया है, मगर अभी भी क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि किसके द्वारा यह धमकी दी गई, या कुछ शरद पवार की ओर से कहना है कि उनको अगर किसी पे संदेह हो कि इसके द्वारा ये धमकी दी गई है? नहीं, इस प्रकार से शरद पवार जी ने तो अभी किस प्रकार का शरद पवार की जी के हाथ से कुछ बयान आया, उनके पार्टी के कुछ नेताओं का बयान आया नहीं है। लेकिन पुलिस की जांच चल रही है और किस अज्ञात व्यक्ति ने ये धमकी दी है उसको भी ढूंढने का काम मुंबई पुलिस की ओर से किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको मुंबई से बताई, जहां एनसीपी नेता शरद पवार को भी फोन कॉल पर जान से मारने की धमकी मिली है।